हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव वन का चैप्टर नंबर 7। अ स्टोन ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इज रोटेटेड इन अ सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर। तो रस्सी को घुमा रहे हैं, मतलब बॉब एक स्टोन अटैच कर दिए रस्सी से और घुमा रहे हैं उसको, ठीक है। तो बोला है कि अगर अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो द स्टोन विल मूव, कहाँ जाएगा स्टोन? तो जाहिर सी बात है यार, अलॉन्ग द टेंजेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि एट दिस मोमेंट इसकी वेलोसिटी कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब टेंशन अगर अचानक से रस्सी के टूटने से होगा क्या? रस्सी के टूटने से यही होगा कि जो टेंशन लग रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो टेंशन लग रहा था रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में, वो अचानक से ख़त्म हो गया, तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था वो अचानक से क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब इस पार्टिकल की, ये पार्टिकल क्या करेगा? जहाँ जा रहा था वहीं चले जाएगा, वी स्पीड से अलॉन्ग द टेंजेंट वो चले जाएगा, ठीक है। तो सी इज द आंसर। ऐसा मत सोचना भाई साहब कि टेंशन सर रेडियली इनवर्ड लग रहा था, अब अचानक से वो फोर्स गायब हो गया तो पार्टिकल यहाँ चले जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, इसीलिए बी ऑप्शन सेट कर रखा है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि चूंकि ये फोर्स टेंशन रेडियली इनवर्ट लग रहा था और वो गायब हो गया तो पार्टिकल यहाँ चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। टेंशन की गायब होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन ऑल ऑफ सडन जीरो हो गया, तो वो सर्कुलर मोशन से बाहर आ गया और वहाँ जाएगा जहाँ वो पहले जा रहा था। भाई उसका इनर्शिया है कि नहीं? इनर्शिया है ये वी वेलोसिटी। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? वी वेलोसिटी से जा रहा है, टेंशन जीरो हो गई तो वो चुपचाप वहीं उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा। सी इज द आंसर, ठीक है। तो थैंक यू।